नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब कुटुंब पर। मैं रोहित कुमार पोरवाल आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। कई जगह के वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमने सोची अपनों गांव काय रह जाए। कालपी विधानसभा क्षेत्र है ये, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट नंबर 220। और यहां पर जो मुकाबला है वो ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है। चुनावी माहौल है, तो हमने सोचा गांव में है, लोगों से भी बातचीत की जाए चुनावी सरगर्मियों पर। तो यहां पर जो लोग गणमान्य लोग मौजूद हैं, इनसे एक एक करके बातचीत करेंगे और चुनावी हाल चुनावी मूड जानेंगे। अपने यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उससे काफ़ी लोग परेशान हैं। आज खुशी का दिन है, महसूस कर रहे हैं कि ये सरकार का जितनी जल्दी पलायन हो सके उतने ही इस प्रदेश को राहत मिलेगी, चाहे जानवरों से हो चाहे किसानों की जो समस्या है। सरकार को आप करा के कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? हम बहुजन समाज पार्टी को लाना चाहते हैं, यहाँ पर बहन जी की सरकार को। अच्छा। जिससे जो नीतियाँ हैं वो सही हो, लाइन ऑर्डर सही हो, लोग जो आज हताश और निराश है, जो नौजवान बेटा लाइन ऑर्डर की बात तो योगी जी भी करते हैं, वो कहते हैं कि गुंडा राज खत्म कर दिया। नहीं तो अब जो शब्द वो बोलते हैं, जैसे ठोको है या बुलडोजर है, कई कानूनी प्रक्रिया है जो न्यायालय बनाई गई, कई चीज़ें हैं, तो इसके आधार पर काम होना चाहिए। तो ये तो राजशाही कैसा लगता है, लोकतंत्र में भाषा हो तो वह में पुट हो, समाज वो महसूस न कर सके, डर महसूस न कर सके, डर का ना होना चाहिए। हमें तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, रिटायर होकर आए हैं अभी, ज़्यादा जानकारी नहीं है। समर्थन किस पार्टी का कर रहे हैं? नहीं, हम अभी किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। वोट तो देते होंगे? वोट देते हैं, वोट दे दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं है? नहीं। क्या कहते हैं? ठीक ही है, बढ़िया है, बस वोट डालते हैं, डालने आए हैं वोट झांसी से यहाँ। कौन जीत रहा है? जीतना तो हमारे बहन जी को ही चाहिए, और कौन जीतेगा? झांसी से आए हैं? हाँ जी, वहीं रहते हैं? बिल्कुल वहीं रहते हैं। वोट यहाँ पे? वोट यहाँ पे है। आप क्या कहते हैं? ठीक है, धन्य है आपको, बिल्कुल बहन जी आना चाहिए और आ रही हैं। वोट तो डाल ही चुके हैं सब, और सभी लोग डाल रहे हैं ज़्यादातर। आप क्या? वोट डाला है तो बहन जी ही आ गए हैं, इस समय वोट अच्छा गिरा उनका, क्षेत्र में सब कोई उन्हीं के वार्तालाप। लड़ाई में कोई है? लड़ाई दूसरा नंबर कांग्रेस, कांग्रेस से लड़ाई है, कांग्रेस से लड़ाई है। आपको बता दें जो ये सीट है, यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र सिंह सरसेला, उनकी पत्नी उमा कांति जी प्रत्याशी हैं, और जिनको लोग जो है लड़ाई में बता रहे हैं। आप बताइए। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप आए यहाँ पे और हम लोगों के विचार सुने आपने, तो आप पूछें आप क्या पूछना चाहते हैं तो बताएं। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ज़्यादातर लोगों ने मायावती जी का समर्थन किया है, जो अभी जिनसे बात हुई है, हाँ, तो आप क्या कहते हैं? और 5 साल जो सरकार रही है भाजपा की, इस सरकार में क्या खास रहा और क्या दिक्कतें रही? क्या कोई भी काम जचा नहीं है क्या योगी जी? माननीय जो मोदी जी है और योगी जी है, जो उनकी नीतियां जो थी 5 साल के अंदर, जो उन्होंने कहा है वो किया नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा आवास बांटे हैं। नहीं, तो आवास बांटने से कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ यहाँ की शिक्षा बिल्कुल दुरुस्त हो गई है, मेन चीज़ उन्होंने शिक्षा में ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, उन्होंने जे अभी जो कोरोना काल के अंदर इतना मजदूर बेसहारा हो गया, इतना मजदूर मर गया बेचारे, उनकी उनको बहुत परेशानियों का सामना झेलना पड़ा। और दूसरी बात, शिक्षा से हम लोग वंचित हो गई, पूरी शिक्षा बेकार हो गई यहाँ की। शिक्षा की जो हालत है वो सब जगह एक सी है, कोरोना काल की वजह से नहीं खुल पाए इसको। नहीं तो कोरोना काल के वजह से नहीं खुल पाए हैं, लेकिन उन्होंने जो उन्होंने कहा, सबसे ज़्यादा धर्म का प्रयोग किया यहाँ पर, जात धर्म में धर्मों में बांट कर उन्होंने वोट दिया। जानना चाह रहे हैं कि आटा गांव में योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, तो उन लाभार्थियों की संख्या
किसके कार्यकाल में ज्यादा रही, बसपा के, सपा के, क्योंकि सारी सरकार है? सबसे ज्यादा बसपा के कार्यकाल में सही रही। कैसी? क्योंकि सबसे ज्यादा वहाँ पे इंदिरा आवास ज्यादा मिले, कहना कांशीराम कॉलोनी, हर जगह कांशीराम कॉलोनी बनवाई उन्होंने, विश्वविद्यालय भी बनवाए उन्होंने, और मेन चीज उन्होंने शिक्षा का ज्यादा विकास किया। और सबसे ज्यादा कम से कम उनकी राज्य में सफाई कर्मचारी को जो भर्ती किया, हर वर्ग से उन्होंने जो नीत रखा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो उसी हिसाब से उन्होंने काम किया। नहीं तो उनको, बहन जी को एक पार्टी का नेता क्यों कहा जाता है, एक वर्ग का नेता? नहीं, एक वर्ग के नेता नहीं कहा जाता। मायावती जो है हर वर्ग की नेता है, उनके अंदर कोई जात पात भेदभाव नहीं है। उनका नारा एक ही नारा, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। धन्यवाद। राज मिस्त्री हैं ये हमारे यहाँ के, घर बनाते हैं लोगों का। इस बार यूपी में सरकार कौन बना रहा है? यूपी में तो बहन जी की बनना चाहिए, पक्का हमने वोट दिया है। अनुभव से बताओ, वोट देना या बनना चाहिए अलग बात है, ना। लेकिन एक होता ना कि माहौल पता होता हमें, किसके वोटर ज्यादा है, कौन आ रहा है, तो किसकी बनेगी सरकार? सरकार तो बहन जी की बनना चाहिए, वो बनेगी, वो बनेगी। लड़ाई में नहीं है कोई? क्या नहीं है, कौनू नहीं है, सबके कुचल के फेंक दो वहाँ तीन है अपने क्षेत्र में। अच्छा, जितने प्रत्याशी खड़े थे सब, हाँ सब कुचल गए, हाथी ने सबको कुचल दिया, कुचल दिया। कालपी तहसील को यही मामला है पूरा। अच्छा हाँ, और कुछ कहेंगे? बस तो हमारे यहाँ डॉक्टर अंबेडकर इंटर कॉलेज है, उसके मैनेजर साहब हैं, बात करिए। क्या कहता है आपका अनुभव? हमारा अनुभव खिचड़ी भाषा बनेगी। कैसे? कोई की बहुमत की सरकार नहीं बन पाएगी। अच्छा, बहुमत की नहीं आ रही? ये यहाँ पे लोग दावा कर रहे हैं, बहन माया। अब उनके विचार हैं कि दूसरे, हम आपके सही बात ये है, पूरे प्रदेश की बात बता रहे, उत्तर प्रदेश में कोई का बहुमत नहीं मिलेगा। अपनी सीट पे किसका टेम्पो हाई है? हमारी सीट पे चुन्ना पाल को है। चुन्ना पाल और माधोगढ़ से है कुशवाहा। अच्छा, बसपा का कह रहे हैं? हाँ ठीक, धन्यवाद। गरीब आदमी है, हमारी दुकानों के सामने इतनी नाली बह रही है मट्टी, ने हम दुकान नहीं खोल पाते, पानी वगैरह कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, पूरी गंदगी रहती है, कोई कहते हैं तो कोई सुनते नहीं, उलीझते हैं रातों को। अच्छा, भर जाती है पर अंदर भी आ जाता पानी। तो कौन सी सरकार ठीक करेगी इसे? हम तो जानते हैं सपा की सरकार में सही सफाई भाई है, सही मतलब सस्ता 200 रुपये किलो तेल है, हम लोग गरीब आदमी ले नहीं पाते, 1000 का सिलेंडर है, हम लोग खरीद नहीं पाते हैं, हम लोग चूल्हे में लकड़ी में खाना बनाते हैं, बताओ। बच्चे और कागज़ डालते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं हर बार, कागज़ डालते लड़का तो पढ़ाई उनकी मुक्त जाती है, ऐसी बेरोजगार फिर रहे हैं, बच्चों की सुनवाई नहीं होती है। गरीब लोगों को योगी सरकार लाभ तो दे रही योजनाओं का? क्या लाभ दे रही है? कुछ नहीं दे रही है लाभ, क्या नान दे रही है, गल्ला दे रही है, तो इससे क्या बनता है? लकड़ी खरीदना पड़ता है, हम लोग कहाँ से ले आए बताइए? नान दे देती है, नमक दे देती, नमक अकेला खा लिया जाता, 200 रुपये किलो तेल है, दाल है महंगी, सब्जी है महंगी है, तो हम लोग कहाँ से खरीदेंगे बताओ? जब पैसा नहीं हो रहा है, पैसा पैदा नहीं हो रहा, काम नहीं आ रहा, धंधा नहीं चल रहा, बेरोजगार फिर रहे बच्चे पढ़े लिखे। मोहल्ले के हमारे फजलुर रहमान निया है, क्या कहते हैं आप मतलब जनता का मूड बताइए अपने अनुभव से। अब जनता का मूड तो ये है कि अब चुनाव चल रहा है, अब कोई कह रहा है कि सपा जीतेगी, कोई कह रहा है कि भाजपा जीतेगी, अब तो ये 10 तारीख या जब वोट खोलेंगे, किसके पक्ष में है? ये तो सब जगह वोट जा रहा है, अब ये थोड़ी कह सकते हैं अभी कुछ कि किसके पक्ष में है। सपा के में जा रहा है, कांग्रेस में जा रहा है, कुछ कांग्रेस में भी जा रहा है, सपा में भी जा रहा है, भाजपा में भी जा रहा है। अच्छा हाँ, बीएसपी में भी जा रहा है। किसका समर्थन कर रहे हैं आप? अब हम तो समर्थन ये है कि भाई सपा का कर रहे हैं। अच्छा, खुल के? खुल के। अच्छा, क्या लग रहा यहाँ पे सपा आ जाएगी इस सीट? नहीं, कोई कह भी नहीं सकते, अब ये तो जब वोटिंग खुलेगी जब पता चलेगा। फिर भी एक अंदाजा होता है ना? नहीं, यहाँ इस ये सीट में तो थोड़ी
गड़बड़ है। गड़बड़ है माने? हाँ। किससे लड़ाई है? ये तो बीएसपी से लड़ाई चल रही है इसमें। अच्छा। यहाँ कालपीत है इसमें। अच्छा ठीक, धन्यवाद।